अच्छी से सी सी करती ये आँखें, हर सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आँखें, हर सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं लोग उठ उठ के जा रहे हैं और मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। तुम कहती हो टेंशन ना लूं। लवीर आज नहीं, प्लीज अपना मोबाइल ऑफ कर दे। सिफारिश की रात जरूरी है। तो तुम्हारे ख्याल से नबील कभी भी बच्चा गोद नहीं लेगा? तो आप बच्चा गोद ले लेना, उसे बच्चे पैदा करने दें, शादी करने दें उसे। ये तुम क्या कह रही हो जेनी? मैडम जी आप इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ बस जिस काम के लिए गई थी वो जल्दी खत्म हो गया, फिर मैं वहां रह के क्या करती। मैडम आपने बुलाया था मुझे? हाँ तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया था उसका क्या बना? मैडम वो तो काम हो गया, सब ओके की रिपोर्ट है। साहब ये घर से सीधे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से सीधे घर आ जाते हैं। पक्की बात है? जी बिल्कुल मैडम। देखें पहले कोई मसला था तो मैंने आपको बता दिया था ना, अब भी अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। ये भी ठीक है। मैडम अब आप आ गई हैं तो मेरा काम तो खत्म हो गया ना? नहीं तुम्हारा काम तो अब शुरू हुआ है। क्या मतलब मैडम? तुम्हें नबील पे नजर रखनी है उस वक्त तक जब तक तुम्हारी नजर बाकी है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। बस तुम्हें अब ये काम सारी उम्र ही करना है। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहेंगी वैसा हो जाएगा। हाँ बस इस चीज का ख्याल रखना कि किसी को इस बारे में खबर ना हो। नहीं होगी मैडम, बिल्कुल नहीं होगी। और पैसे तुम्हें उसी तरह मिलते रहेंगे इस काम के लिए। ठीक है मैडम मैं जाऊं? ठीक है जा सकते हो तुम। काफी बड़ा घर है और सजाया भी बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। वैसे बड़े मुकद्दर वाली है तो माशाल्लाह जो इतना बड़ा घर मिल गया। हमें तो देख एक एक पाई जोड़ के हमने घर बनाया है अपना। अबू क्यों नहीं आए? बेटा इतनी दूर कैसे आते, मैं खुद बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तो आप मुझे बता देती, मैं ड्राइवर भेज देती। चल छोड़ बेटा, आ बैठ के बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि एक ज़माना हो गया तुझसे बातें किए हुए। कैसी बातें करी अपनी, अभी तो एक दिन हुआ है मुझे आए हुए। पर मुझे तो लगता है कि एक दिहाई गुजर गई है तेरे बगैर। आदत नहीं है ना। चले खैर हो जाएगी। वैसे तेरे कमरे की तरफ आज सुबह खुद ब खुद उठ के चली गई थी मैं। अच्छा? हाँ, और सुबह जब चाय बना रही थी ना तो तुझे आवाज़ें दे रही थी। बस सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। नबील ने कुछ बताया कि वो कल देर से क्यों आया था? जेमी बताया। क्या हुआ था? उनकी पहली वाइफ लंदन से वापस आ गई है। क्या? इसीलिए लेट आए थे वो, जल्दी नहीं आ गई। मुझे क्या पता। मैं कुछ बताया नहीं नबील ने? खाना लगाऊं आपके लिए? खाना भी हो जाएगा।
पहले मेरी एक बात सुन। मुझे बता, क्या तुझे लगता है कि तूने सही फैसला किया है? क्या मतलब है अम्मी? मेरा मतलब है कि तू खुश रहेगी ना? अम्मी मैं खुश हूँ। नबील मुझसे इतना प्यार करते हैं, सब कुछ तो दिया है मुझे, इतना बड़ा घर दिया, और क्या चाहिए? बेटा, अगर शौहर साथ ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और शौहर के साथ बीवी तो झोपड़ी में भी खुश रह लेती है। अम्मी ये सब बातें पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बातें तो पुरानी हो जाती हैं, मगर दिल और मोहब्बत के पैमाने वही रहते हैं, वो नहीं बदलते। अम्मी जब नबील ने मुझसे हर बात क्लियर की थी तो पीछे क्या रह जाता है? सब कुछ तो बताया था उन्होंने मुझे पहले से। बेटा मुझे इस पे एतराज़ नहीं कि उसने दूसरी शादी की है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो तेरे पास कब आएगा और पहली बीवी के पास कब। सारा दिन तो मेरे पास ही होते हैं, और फिर अम्मी इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मेरे नाम के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, मैं खुश हूँ। बेटा मेरी तरफ देख के कहा ना खुश हूँ। कभी कभी इंसान दिल की बात जबान से जब्त कर लेता है, मगर आंखों की नमी दिल का हाल बता देती है। अच्छा छोड़ें सारी बातें, क्या बात करते हैं। बेटा अब तो मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। वैसे मेरी एक बात याद रखना जी, मोहब्बत शादी की वजह तो बन सकती है, मगर मोहब्बत के सर पे शादी नहीं चलती। क्या मतलब? शादी सब्र के बलबूते पर चलती है, तहम्मुल और बर्दबारी दिखानी पड़ती है। सब ठीक हो जाएगा, मैं खाना लगाती हूँ, नबील भी आने वाले। ठीक है, लेकिन इतना डिले क्यों हो रहा है? वो मैडम फाइनल फैसला तो आपका होता है ना जी, आपकी इजाजत के बिना हम ये टेंडर कैसे फ्लोट कर सकते थे? अच्छा चलो साइन करवाओ और जल्दी फ्लोट कर दें जी प्लीज। थैंक यू जी। हाँ और दूसरा काम? वो मैडम आपके लिए प्रोफाइल भिजवाए थे नबील साहब की पीएस के लिए। हाँ जो भी कर लो, बस इस दफा मेल ही रखना। जी मैडम। पिछली दफा लड़की को चांस दिया था, तुम बता रहे हो उसने शादी कर ली, अब क्या करें? हाँ मैडम कुछ ऐसा ही है, अगर इन्हें जॉब का मौका दें तो ये शादियों के चक्रों में पड़ जाती हैं। हाँ कुछ ऐसा ही है। फिर बुलाया था उसने किसी को ऑफिस से अपनी शादी पे? नहीं मैडम किसी को नहीं बुलाया था। मैडम बड़ी खुश्क सी लड़की थी, ऑफिस में बड़ी कम बातचीत करती थी किसी से। नहीं नहीं शायद ऐसा ना हो सकता है उसने पहली दफ़ा जॉब की हो, डरती हो इसलिए, शर्माती हो आदमियों से। जी मैडम कुछ ऐसा ही है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ बेटा कैसा है तुम्हारा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अब तो बातें भी करने लगा है मैडम। अच्छा स्वीट, लाना ना कभी उसको। जी ज़रूर मैं लेके आऊँगा। अच्छा मैडम इजाजत। अच्छा खुदा हाफिज। आ जाइए रुक जाए। फिर वही बात? अच्छा नहीं कहती। मारिया को कब बताएंगे हमारी शादी के बारे में? अभी तो वो खुद क्राइसिस से गुजर रही है। क्यों क्या हुआ? लंदन गई थी इलाज के लिए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। क्या? अब तुम्हें बताओ मौजूदा हालात में कैसे बताऊं मैं उसे? और फिर बार बार वो कह रही है कि कहीं मैं दूसरी शादी तो नहीं कर लूंगा।
वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। Unfortunately, नहीं। अब क्या करेंगे नबी? अगर वो ऐसा कह रही है तो हमारी शादी को कैसे मानेगी? थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर वो मान जाएगी। और अगर ना मानी तो? अभी वक्त नहीं आया, तो फिर क्यों सोचे इस बारे में? मैं चलूं? तो जाइए। बाहर गेट तक छोड़ने नहीं आओगी? हौसला नहीं है आपको छोड़ने का मुझे। तुम क्या समझती हो, मुझ में हौसला है तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का? प्लीज सुबह जल्दी आ जाइएगा। कोशिश करूंगा। ऑफिस यहीं से तैयार होके जाइएगा, मैं नाश्ता बनाऊंगी आपके लिए। कहा ना, कोशिश करूंगा। मैडम खाना लगा दिया। अरे अभी तो नबील भी नहीं आया। वो तो शायद लेट आए। आप खाना खा लीजिए, नहीं तो आपकी दवाई का वक्त गुजर जाएगा। नहीं जेनी, उसके बगैर मैं कैसे रात का खाना खा लूं? वो पता नहीं कब आएंगे, आप कितनी देर उनका इंतजार करेंगी? जेनी तुम्हें पता है मैं उनके बगैर नहीं खाती हूँ उस वक्त का खाना। तुम ये करो, फोन करके पूछो ना कहाँ है, कब तक पहुँच रहे हैं। जी। मैडम नबील साहब का नंबर बंद आ रहा है। बंद है? क्यों? मुझे क्या पता क्यों। अच्छा तुम फिर खाना फिलहाल रख दो, जब वो आएगा तो हम खुद ही गर्म कर लेंगे। जी बेहतर। फोन मुझे दे देना। जी ये लीजिए। नबील, नबील, कोई वक्त है घर आने का? ओ यार बस एक मीटिंग में फंस गया था। तो तुम्हारा फोन भी बंद था? हाँ वो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे मेरे कमरे में, तो मैंने फोन ऑफ कर दिया था। एक तो ये अपनी मीटिंग्स जो है ना दिन दिन में ही निपटा लिया करो, और वैसे भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स ही होने लगी तुम्हारी। टॉन्ट कर रही हो? नहीं तो तुम्हें ऐसे क्यों लगा? तुम्हारे लहजे से लग रहा। जिस बंदे ने तुम्हारे इंतजार में शाम का खाना ना खाया हो उसका ऐसा ही लहजा होगा। तो खा लेती ना यार, तुम इतने दिन नहीं थी ना यहाँ, तो बस वो रूटीन सी बन गई थी, देर से आना, खाना बेवक्त खाना। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी रूटीन वापस लेके आओ, क्योंकि मुझसे नहीं इतना इंतजार होता। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलो आओ फिर खाना खाते, आ जाओ, उठो, आ जाओ। नबील
नबील, 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 जी, जेनी, जी, नबील कहाँ है? बाहर तो नहीं बैठा? नहीं नहीं वो तो सुबह सुबह ही चले गए। इतनी सवेरे? कहाँ चला गया इतनी सवेरे सवेरे? वो कह रहे थे कि उन्होंने साइट विजिट करनी है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। तो ये कर क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। फोन करो जरा उसे। जी मैं अभी करती हूँ। हाँ, पता करो कहाँ है। दानिया शामी कबाब अच्छे बनाती थी। हाँ ये कमाल तो था उसके हाथों में। काजी जी आपको पता है जब वो नईम के लिए कबाब बनाती थी ना तो बहुत चिढ़ती थी। खैर ये बात मेरे इल्म में नहीं ही नहीं है। मुझे तो उसी वक्त एहसास हो गया था कि हमने नईम से उसकी मंगनी करके बहुत गलती की है। खैर आप तो वो किस्सा खत्म हो गया। दो माह हो गए उसकी शादी को, एक बार भी उसका हमसे मिलने को दिल नहीं किया। उसका घर बहुत दूर है और वैसे भी नबील दिन में आता है, कहाँ वक्त मिलता होगा उसको। हाँ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कहीं हमने उसका फैसला कबूल करके कोई गलती तो नहीं की। नहीं काजी जी मैं उसके घर होकर आई हूँ। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे शोहर और ऐसे घर, वरना कौन करता है आजकल इतना आलीशान घर किसी के नाम। हाँ ये तो है। वालदैन बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, मगर उनका मुकद्दर लिखना तो अल्लाह का काम है। हाँ वालदैन सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अब तो मेरी एक ही दुआ है। वो क्या? यही कि हम जल्द नाना और नानी बन जाएं। बच्चे हो जाएं तो औरत के पांव मजबूत हो जाते हैं। मर्द जात औरत से मोहब्बत नहीं करता, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, और यही मोहब्बत उसे औरत से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा था कि कभी कभी तो तुम फिलोसफरों जैसी बातें करना शुरू कर देती हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये जी नहीं, आप कैसे कुछ गलत कह सकती हैं? काजी जी आप बिना एक काम लगाया था तुम्हारे जिम्मे। जी मैडम जी मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मैं पूरी तरह चौकस हूँ। क्या खाक चौकस हो तुम? क्या हुआ मैडम जी? 2 महीने हो गए मुझे वापस आए हुए, नबील का रूटीन कुछ अजीब सा हुआ है। दिन को जल्दी कहीं चला जाता है, शाम को लेट वापस आता है, कोई ना कोई मसला जरूर है। अरे नहीं मैडम जी कोई ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम ज्यादा है, मैंने नबील साहब पर पूरी नजर रखी हुई है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो जानते हो क्या हो सकता है? जी जानता हूँ मैडम जी। मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हें इसका खमियाजा जिस तरह से भुगतना पड़ेगा ना
वो तो तुम्हारे बहमो गुमान में भी नहीं है। जी जानता हूं मैडम जी। जाओ। तो फिर क्या कहा? मैंने क्या कहना सर, मैंने कह दिया मैडम नबील साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े बेहतर आदमी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे फिर से आपकी जासूसी पे लगा दिया। बस तुमने वही कहना जो मैं तुम्हें कहूंगा। ठीक है सर, सर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन सर अगर मैडम जी को पता चल गया कि हम सब आपके साथ मिले हुए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो मैडम जी हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी। देखो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए। ठीक है सर, जो हुक्म आपका। जी सरकार। तुम्हारी लंच ब्रेक पता नहीं कब होनी, मेरी भूख से जान निकल रही है। ऑफिस के बाहर वेट कर रही हूँ, आ जाओ बाहर। अच्छा चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर। जल्दी आ जाओ। दो मिनट में। बाय। हाँ अजमत, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर लेना। ओके ओके। लेट्स गो। आओ मैं गाड़ी चला लेता। घर से यहाँ तक आगे वहाँ के नहीं जा सकती क्या? अरे नहीं, रास्ते में कहीं अगर लाइसेंस चेक हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइसेंस बन जाए तो सौ बिस्मिल्ला चला लेना। ओके। नवील। मैडम नबील साहब तो ऑफिस में नहीं है। अच्छा कहाँ चला गया? अजमत को बुला देना जरा। जी मैं अभी बुला देती हूँ। मैडम जी आप? हाँ अजमत क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मैडम। नबील कहाँ है? मैडम वो साइट पर गए हैं। अच्छा चलो फिर फोन पे बात करा दो मेरी। ठीक है मैं अपना फोन लेके आता हूँ। नहीं नहीं यहाँ पे लैंडलाइन होगी ना, उसी से करवा दो, लाउड स्पीकर पे रख लेना। ठीक है मैडम। ये जरा देखना किसका फोन है। ऑफिस से। हाँ तो सुनो ना अजमत का होगा। सॉरी रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर मिल गया था। दोबारा मिला दो। ये अजमत को क्यों? मेरी आवाज तो पहचानते लेकिन बंद कर लिया। अच्छा एलर्जी से हो गया होगा। तो कॉल बैक करो। अरे नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी काम होगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। नहीं दो इस दफा मैं सुनता। हेलो हाँ अजमत बोलो। मैडम आइए, वो आपसे बात करना चाह रही है। नबील कहाँ हो? मैं एक जरूरी मीटिंग थी उसके लिए निकला हूँ। लेकिन ये तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? क्यों मैं ऑफिस नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं बिल्कुल आ सकती हो तुम, मैंने कब मना किया, तुम्हारा अपना ऑफिस है भाई। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए स्टाफ से मिला हूँ और हम दोनों साथ लंच भी कर सकते हैं फिर। हाँ यार जरूर लंच कर लेते, लेकिन मैं बहुत दूर निकल आया हूँ।
कब तक आओगे? वापसी पे तो आते आते तो टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इंतजार करती हूँ तुम्हारा। हाँ, अरे तुम इतनी देर यहाँ इंतजार करके क्या करोगे भाई? खैर मुझे घर जाके भी क्या करना है। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ फिर चलेंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी। ओके। मैडम आप कुछ लेंगी, मैं ऑर्डर करूँ? हाँ वो कॉफी बनवा देना चीनी के बगैर। हाँ ओके। जेनी कोई तस्वीर लगाई है मेरी? नहीं। ये मैडम। हाँ जेनी जरा पकड़ना जी, बैठे अजमत। थैंक यू मैडम। वैसे मैडम मैंने आपको मेल कर दी थी। हाँ ठीक है, उसका मैं ब्रेल प्रिंट आउट ले लूंगी। तो इसका कोई फायदा नहीं? नहीं नहीं है, इसको जेनी देखती जाएगी, मैं इसके साथ साथ प्रिंट आउट को टैली कर लूंगी। ठीक है मैडम, जिस तरह आप कहती हैं। इसमें 2 महीने का मुकम्मल डे प्लान है ना? जी मैडम, इसमें साहब की सारी मीटिंग्स और साइट विजिट सब शामिल है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जाऊँ मैडम? हाँ नहीं, मैं ज़रा स्टाफ से मिलना चाह रही थी। ठीक है मैडम, मैं मीटिंग रूम में सबको कॉल कर देता हूँ। नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं होगी, एक एक करके उनको मेरे पास यहीं पर भेज दो। पहले जूनियर स्टाफ से शुरू करना, ख़वातीन को पहले भेजना। हाँ ठीक है मैडम, अब मैं जाऊँ मैडम। हाँ हाँ जा। कि आप सबके साथ एक ही बार मीटिंग क्यों नहीं कर लेती हैं मैडम, इस तरह तो आप थक जाएंगी। हाँ पता है मुझे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो सबके सामने मीटिंग हॉल में नहीं डिस्कस हो सकती। बेहतर है एक एक करके मेरे सामने आए तो मैं आराम से उनसे बात करूं। और ऑफिस का हाल ख़वातीन से बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता। मैडम आप क्या कर रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस देखती जाओ तुम। हेलो सर, आप प्लीज़ वापस आ जाए तो अच्छा होगा। क्यों क्या बात है, खैरियत है? मैडम ने आपकी पिछले 2 माह की डायरी मंगवाई है और वो फीमेल स्टाफ से मीटिंग भी करना चाहती है, वो भी 1 by 1। क्या मतलब 1 by 1? मुझे तो कुछ नहीं पता सर, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आ जाए सर। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है सर, प्लीज़ जल्दी आ जाए। क्या हुआ? हमें अभी ऑफिस जाना पड़ेगा वापस। क्यों नबील? देखो मामले की नज़ाकत को समझो, अगर हम ऑफिस ना गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नबील इस तरह कब तक चलता रहेगा, बता क्यों नहीं देते उसको? अरे बता तो देना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। क्यों फिक्र कर रही हो इसे? जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी चलो, अभी इससे पहले कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए प्लीज़। कितनी देर से काम कर रही हो यहाँ पे? तकरीबन 3 साल तो हो ही गए हैं मैडम। अच्छा गुड, और कैसा लग रहा है हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर? सब बहुत अच्छा है मैडम, कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला। शायद ही कोई ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे वर्कर्स का इतना ख्याल रखा जाता है। ऐसा बॉस कहाँ मिलता है जो अपने वर्कर्स का इतना ख्याल रखे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी लेके जाए। किसकी बात कर रही हो? वो लड़की थी ना दानिया, वो जो पीएस थी नबील की। जी मैम वही, उसे ऑफिस में कुछ हो गया था, खालिबन बेहोश हो गई थी, तो नबील साहब उसे गाड़ी में हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा क्या हुआ था उसे? ये तो पता नहीं, उसको गुमसुम सी रहती थी और फिर उसकी शादी हो गई। किससे हुई थी शादी? पता नहीं मैम, उसने ऑफिस से किसी को बुलाया ही नहीं, उसने अचानक ऑफिस आना छोड़ दिया और फिर पता चला कि उसने इस्तीफा दे दिया है, तब पता चला कि उसकी शादी हो गई है। ठीक है, और कोई बात? वो मैडम ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो ड्राइवर है ना हमें घरों से दूर ही उतार देता है, तो अगर आप कह देंगी तो। ठीक है मैं देख लूँगी। ओके थैंक यू मैडम। ओके।
अरे वाह, बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं स्टाफ के साथ। हाँ हाँ, मैं फारिग बैठी थी, मैंने सोचा स्टाफ से ही मिल लूँ, थोड़ा से मसलों का पता चल जाए। नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर क्या कहा स्टाफ ने? बड़ी बदतरीफियाँ की होंगी मेरी? नहीं भाई, तुम्हारी तो बहुत तारीफ की सबने। चलो मेहरबानी है यार इनकी। ये तुम्हारी पीएस को क्या हुआ था, दानिया को? दानिया को आई डोंट नो। मैं ऑफिस से निकला हूँ घर जाने के लिए, तो मैंने बाहर देखा पोर्च में गिरी पड़ी है। आई थिंक गालिबन फेंट हो गई थी, कोई था नहीं वहाँ पे, तो मैं फिर उठा के उसको डॉक्टर पे ले गया। वहाँ पे उसके पेरेंट्स वगैरह आ गए, बस दैट्स इट। तुमने कुछ खाया है? नहीं अभी तो नहीं, इंतजार कर रही थी तुम आओगे तो कहीं बाहर चलेंगे। हाँ तो आओ ना, चलो बिल्कुल चले, आ जाओ आ जाओ। जेनी जी, तुम चली जाना ड्राइवर के साथ, मैं नबील के साथ वापस आ जाऊंगी। जी जी चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टॉम जेरी के पीछे भाग रहा है और अचानक से टॉम के हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है और वो टॉम की टेल को काट। क्या हुआ है? एक मिनट। हेलो, हाँ 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 ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो एक काम करो, सुबह ऑफिस आके उसको एक ईमेल कर दो। हाँ ये सारी डिटेल उसमें डाल देना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया मैं। हाँ बस ठीक है, चलो चलो दैट्स बेटर। ओके तो ये फ़ोन बंद क्यों नहीं कर देते हो? अच्छी खासी सौकन हो गई है ये तो मेरी। अरे यार काम के फ़ोन हैं, कैसे बंद कर दूँ? अच्छा इधर लाओ मुझे दो। क्या ए? बस अब मेरे पास है, करो ले करो ना यार। कोई फोन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस वो दिखा रहे हैं कि उसे एक बहुत बड़े बर्तन में दूध डाला है और उसमें साथ पॉइजन भी डाली है ताकि जेरी उसको पिए मर जाए और वो उसको काबू में कर ले। लेकिन जेरी बहुत चलाक है, उसने वो पॉइजन उसको डालते देख लिया है। और क्या है अब क्या हुआ है? मैं भाई वॉशरूम ब्रेक भी तो हो सकती है ना। तुम जा रहा हूँ लेकिन तुम ये क्या हुआ है? फोन तो दे दो मुझे दो सेकंड के नहीं, लिए। नहीं ये मेरे पास बिल्कुल महफूज है, कहीं नहीं जा रहा। तुम वॉशरूम जा रहे हो? नहीं कोई जरूरत नहीं, फिर वहां जाके बातें करने लगोगे। जाओ जल्दी से होके आओ, आई एम वेटिंग। जिद कर रही हो, जाओ ना। खाम खा यार तुम भी ना। तो नबील का ये फोन ही ना बज बज के मेरे तंग करता। ये सारी मीटिंग्स हैं जो 2 बजे तक गई हैं, फिर उसके बाद साइड विज़िट हैं जो तकरीबन 11 बजे शुरू हुए हैं, 2:30 बजे तक ऑफिस में वापसी है। ये बुध वाले दिन जी 12 तारीख है। हाँ जी, ये इसी तरह है, ये तो सारा 2 बजे तक तकरीबन 2:30 बजे तक का शेड्यूल है। इसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हैं ये सारी तकरीबन 2 से 1:30 बजे के दरमियान ख़त्म हो गई हैं। तो इन 2 महीनों में तो नबील की कोई भी शाम को मीटिंग नहीं रही ना? जी नहीं। तो फिर वो मुझसे मुसलसल क्यों कहता रहा है कि मीटिंग है मीटिंग है?
उस दिन तो जो अजमत ने कहा था ना कि रॉन्ग नंबर है जी, मुझे तो उस पर भी शक है। कैसे? उस लड़की की आवाज़ में बहुत एतमाद था, और इतनी पुरएतमाद आवाज़ सिर्फ तब हो सकती है जब पता हो कि किसका फ़ोन है। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती तो बशीर मुझे कोई ना कोई इतला तो देता ना, वो भी खामोश है। पता नहीं क्या हो रहा है, हो सकता है ये आपका वहम हो। नहीं, मेरा वहम नहीं है, लेकिन खैर जो भी है खुद ही सामने आ जाएगा, अभी नहीं तो बाद में सही। मैं फिर आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, साहब तो अभी उठे ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं उसके साथ ही करूँगी। खैर इनको रख दो तुम तो संभाल के। जी मैं जगाती हूँ। ठीक है। फ़ोन ऑन हो तो टेक्स्ट करना। आपने कौन सी अपनी पहली बीवी से जान छुड़ा के भागते हुए मेरे पास आना है? हमने शादी का ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया है। ग्राउंड रियलिटी जज्बात से कितनी मुख्तलिफ होती है। ज़िंदगी के एक ऐसे लम्हे जिसमें मैं अपने वजूद के अंदर एक और ज़िंदगी को महसूस कर रही हूँ। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है। इससे बड़ी खुशी शायद किसी औरत की ज़िंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन बदनसीबी तो यह है कि मैं इस खुशी को अपने शौहर के साथ शेयर नहीं कर सकती, उसको बता नहीं सकती कि क्या एहसास है। काश इस लम्हे आप मेरे पास होते ना बीर। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय। 9 साल का बच्चे ने ओ लेवल में कामयाबी हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। अच्छा, ब्रिलियंट। नबी, मैंने आज एक फैसला किया। अच्छा बोलो। आज से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाया करूंगी। अच्छा क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जा सकती? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकती तुम ऑफिस ज्वाइन? ना बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन ये अचानक ख्याल कैसे आ गया? बेहतर है ना चली जाऊं, अकेली घर पे बोर ही होती हूँ। वैसे भी तुम भी तो कितने अरसे से कह रहे हो कि ज्वाइन कर लो, मैंने सोचा शायद यही अच्छा हो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, तो व्हाई टू रश? मसरूफ रहूंगी तो शायद यही बेहतर हो मेरे लिए, वरना ऐसे बैठ गई तो बस बैठ ही गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सोच रहा था कि अभी 2-4 दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस बनवा दूं, तो फिर आराम से अपने कमरे में आके बैठना। इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे पूरे कमरे की थोड़ी ज़रूरत है, मैं बस तुम्हारे कमरे में एक एक्स्ट्रा कुर्सी और मेज़ लगा लूँगी, वहीं आ जाऊँगी। अरे नहीं यार, इतने लोग आते हैं ऑफिस में अच्छा नहीं लगता, अजीब लगेगा। क्यों? वैसे भी अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैं अकेले कमरे में हुई, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हें पता ही है अगर अकेली होती हूँ तो वैसे मेरा दिल घबराता है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या कह सकता हूँ। चलो मैं बस तैयार होके आती हूँ। हाँ
क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? नबील कहाँ है? मैं बस, आप मेरे पास आ जाए। अरे भाई एक मौका तो दो मुझे, प्लीज खोलो दरवाजा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाए यहां से। अच्छा ठीक है, मत करो बात, जा रहा हूं मैं यहां से, और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर मुझे फोन कर देना। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? जी करती है, आए क्या करूं मैं, क्या करूं आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ी।